और अब खबरें विस्तार से। आजकल ठगी के कई प्रकार हो गए हैं, इसमें एक नया प्रकार निकलकर सामने आया है। आपको व्यापार कराएंगे, नौकरी दिलवाएंगे, कमाई करवाएंगे और आपको ठग भी लेंगे। जी हाँ, चौकिए मत, एक ऐसे ही ठगी का शिकार हो गए हैं कटिहार के ही लाल कोठी में रहने वाले प्रभात कुमार। प्रभात कुमार को इस ठग ने 10-20 हजार नहीं, लाख 2 लाख नहीं, 25 और 50 लाख भी नहीं, बल्कि 1,34,00,000 का चूना लगा दिया है और वह भी हंसते खेलते। हुआ यूं कि गया के रहने वाले पिंकू कुमार ने इस ठगी के धंधे के लिए एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोली। कंपनी का नाम रखा सशक्त बिहार कंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड। पिंकू की एक संस्था भी है सक्षम बिहार। पिंकू का काम यह है कि वह सूबे के जिले जिले जाकर ऐसे लोगों की तलाश करता है जिसे सरकारी ठेकों में इन्वॉल्व कर कमाई का लालच दिया जा सके। इसी चक्कर में उसने कटिहार के लाल कोठी निवासी प्रभात कुमार से भी संपर्क किया। पिंकू ने प्रभात कुमार को यह लालच दिया कि आप मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में पैसा लगाएं और गांव में लगने वाली प्रत्येक लाइट पर आपको अच्छा खासा कमीशन दिया जाएगा। पिंकू कुमार समझाने में इतना तेज तर्रार है कि उसने प्रभात कुमार को पूरी तरह अपने विश्वास की गिरफ्त में ले लिया। बस फिर क्या था, प्रभात कुमार ने पिंकू कुमार की कंपनी में पूरे 1,34,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए। अब प्रभात कुमार पैसे की कमाई का इंतजार करने लगा, लेकिन ना कमाई आई और ना पैसे आए। प्रभात कुमार लगातार पिंकू से तगादा करता और पिंकू रोज नए बहाने बनाता। जब प्रभात कुमार ने लीगल नोटिस भेजा तो पिंकू कुमार ने प्रभात कुमार को अपने विश्वास में लेने के लिए उसे 6,00,000 रुपए भेजे, लेकिन उसके बाद उसने प्रभात कुमार को पैसे भेजना बंद कर दिया। प्रभात कुमार ने पिंकू को 2 वर्ष पहले 2022 में पैसे दिए थे, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसको ना तो कमाई मिली और ना ही पैसे वापस मिले। अंत में परेशान होकर प्रभात कुमार ने पिंकू कुमार के विरुद्ध 420C का मामला नगर थाने में दर्ज कर दिया। फिर क्या था, पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एसटीपीओ अभिजीत कुमार ने मामले की जांच शुरू की और कुछ दिनों की मशक्कत के बाद पटना के राजेंद्र नगर से पिंकू को गिरफ्तार कर लिया। जांच करने पर एसटीपीओ अभिजीत कुमार ने पाया कि पिंकू कुमार एक बड़ा शातिर ठग है और ठगी के मामले में पहले भी कई बार जेल जा चुका है। इतना ही नहीं, पिंकू कुमार के विरुद्ध सूबे के कई थानों में मामले भी दर्ज है। फिलहाल कटिहार पुलिस ने पिंकू कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। सर, कैसे पूरा ठगी को बाधा को अंजाम देता है? कटिहार के लाल कोठी के रहने वाले प्रभात कुमार द्वारा एक FIR दर्ज कराई गई थी, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया था कि पिंकू कुमार, जो कि मूल रूप से टिकारी गया के रहने वाले हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के नाम पर अपनी कंपनी सशक्त बिहार कंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड में इनसे करीब 1,34,00,000 रुपए लिया था। 2022 में ये पैसा लिया गया था और कहा गया था कि प्रत्येक लाइट जो लगेगी उस पर इनको कुछ कमीशन दिया जाएगा क्योंकि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी मात्र 6,00,000 रुपये इनको वापस किया गया। उसके अलावा सारा पैसा इनके द्वारा कई बार नोटिस भी भेजा गया, कई बार इनके द्वारा आग्रह अनुरोध भी किया गया, लेकिन इनके द्वारा पैसा नहीं वापस किया जा रहा था। जब हम लोगों ने इस FIR पे जांच की तो ये मामला सत्य पाया, जिसके अंतर्गत ये मामला को सत्य पाते हुए कल इनको राजेंद्र नगर पटना से गिरफ्तार किया गया। सर, इसके ऊपर और कोई रिकॉर्ड है? अभी भी जैसे कि बुद्धा कॉलोनी में कुछ दिन पहले ये धोखाधड़ी के मामले में ही जेल गए थे और जो हम लोगों को अभी ज्ञात हुआ है कि इनके ऊपर कई मामले और अन्य थानों में भी दर्ज है जिसको हम लोग पता कर रहे हैं। क्या करते थे, सोलर स्ट्रीट लाइट पे घोटाला करते थे या सरकार के अन्य योजनाओं के नाम पर घोटाला करते थे? ये अभी जो हम लोगों को शुरुआती जो अनुसंधान हम लोगों ने किया है उसमें ये मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट के लगाने के नाम पे, विभिन्न प्रखंडों में लगाने के नाम पे, वहाँ के लोकल जो ठेकेदार होते थे उनसे काफ़ी पैसा लेते थे और कहते थे कि ये सोलर लाइट लगेगी तो पर लाइट आपको इतना कमीशन दिया जाएगा। लेकिन फिर पैसा लेने के बाद यही इनको ज़्यादा एक्सक्यूज़ दिया जाता था बार बार कि अभी काम नहीं, रुका हुआ है, पेमेंट नहीं हो रहा है। इस तरह से ये पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करते थे, उससे पैसा बनाते थे। बहुत पैसा प्रेशर जब पड़ता था तो कुछ लाख किसी को वापस कर देते थे, लेकिन उसको बार बार दौड़ाते रहते थे। इसलिए सरकारी योजनाओं के नाम पर ये लोगों से धोखाधड़ी करते थे।